मेरा नाम तहमीना राहील है और मैं एक सर्टिफाइड शेफ हूँ। खाना पकाने का शौक मुझे शुरू से था, इसीलिए मैंने कलिनरी आर्ट्स में डिप्लोमा किया। आज मैं आपको घर पर बिल्कुल बाजार जैसे ताफ्तान बनाना सिखाऊंगी। एक रेगुलर साइज का ताफ्तान बनाने के लिए हमें चाहिए होता है 1 कप मैदा, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ईस्ट, 1 पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, 1 टेबल स्पून ड्राई मिल्क पाउडर, नमक 2 चुटकी, 1 खाने का चम्मच चीनी। ये मैंने दूध और अंडे की सफ़ेदी का मिक्सचर बनाया है। आटा गूंदने के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा नीम गर्म पानी और 1 टेबल स्पून घी। सिवाय घी के मैदे के अंदर इन तमाम अज्जा को डालेंगे और इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे नीम गर्म पानी से। उसके बाद हम घी डालेंगे। ये आटा हमारा गूंद गया है, अब आप इसको किसी एयर टाइट कंटेनर के अंदर 2 से 3 घंटे के लिए राइस होने के लिए छोड़ेंगे। ये कम्प्लीटली राइस हो गया है, परफेक्ट जाल बना है। अब इसको मैं बेलने के लिए चकले पे ले आऊँगी। ये आम रोटी की तरह ही बनता है पेड़ा, लेकिन इसका आटा थोड़ा सा सॉफ्ट है। अब आपने इसको सिर्फ एक रेगुलर साइज़ के ताफ्तान के जितना ही बेलना है। मेरा नॉन स्टिक पैन है, इसलिए मैंने इसमें ऑयलिंग नहीं की है, नहीं तो आप इसको ग्रीस करके और फिर इसके अंदर अपना नान डालेंगे। अब मैं इसको दोबारा से 10 से 15 मिनट के लिए राइस होने के लिए छोड़ रही हूँ। ये राइस हो गया है थोड़ा, अब आप इसके अंदर शेप देंगे इसको ताफ्तान वाली। ये मैंने दूध का और अंडे की सफ़ेदी का मिक्सचर बनाया हुआ है, आपने इसके ऊपर ब्रशिंग करनी है। ये ब्रशिंग करने से इसके ऊपर बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आएगा। ये वैसे तो माइक्रोवेव है, लेकिन कन्वेक्शन ओवन भी है। मैं इसको 170 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पहले प्री हीट करूँगी और फिर जब ये प्री हीट हो जाएगा तो फिर हम इसमें बेकिंग के लिए अपने ताफ्तान को रख देंगे। 170 टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 10 से 12 मिनट में आपका ये ताफ्तान बेक हो जाएगा। अब इसके ऊपर हमें कलर देने के लिए हमें इसकी टॉप की ग्रिल ऑन कर देंगे। निकालते ही हम इसको सादे पानी के अंदर डिप करेंगे, गरम गरम के ऊपर बटर की ब्रशिंग करनी। यह आपका बिल्कुल बाजार जैसा ताफ्तान तैयार है।